ये देखिए पत्ता गोभी है, ये आलू हम ले लिए हैं, ये प्याज ले लिए हैं और ये सोयाबीन है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और सोयाबीन आलू को ज़बरदस्त एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हम पत्ता गोभी को काट लेते हैं, फिर आलू काट लेंगे, प्याज काट लेंगे, सोयाबीन को भी भून लेंगे। तो चलिए पहले हम पत्ता गोभी को काटते हैं। ये देखिए हमने सब कुछ काट लिया है, ये पत्ता गोभी, ये आलू, ये प्याज और लहसुन भी छील लिए हैं और इधर सोयाबीन का पैकेट है। तो चलिए हम इस सब को अच्छे से पहले भूंज लेते हैं। देखिए हमने गैस पजार लिए हैं और कढ़ाई कुकर चढ़ा लिए हैं और इसमें देखिए तेल डाल दिए, तेल गर्म हो रहा है तो तेल गरम होने देते हैं, फिर हम सब कुछ को भूंज लेंगे अच्छे से। देखिए हम सोयाबीन भूंज के निकाल लिए हैं और मेरा तेल गरम हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम देखिए हम पचफोरन डाल लिए हैं तो इसको पकने देते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। मेरा पचफोरन पक चुका है तो हम प्याज डाल लेते हैं। प्याज को भूंज लेते हैं पहले। देखिए मेरा प्याज भूंजा चुका है, अब हम इसमें डाल लेते हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के साथ ही में आलू भी डाल के इसको हम भून लेते हैं। देखिए हम पत्ता गोभी में आलू भी डाल लिए हैं, इसको अच्छे तरह से भूजेंगे। तो जब तक मेरा भून जाता है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मसाला के लिए हम जीरा, लहसुन और ये देख रहे हैं काला मिर्च है, तो 2-4 काला मिर्च ले लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, जीरा ले लिए हैं, इसको पीस लेते हैं। चलिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं जब तक मेरा सब्जी भून जाता है तब तक। देखिए मेरा मसाला पिसा के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इसमें हम एक टमाटर काट के डाल लिए हैं और इसमें हम थोड़ा सा मसाला सूखा डालेंगे। तो ये देखिए मेरा मिर्ची है तो हम मिर्ची डाल लिए और ये धनिया डाल लिए और नमक हल्दी हम सब्जी में ही डाल दिए थे। तो देखिए मेरा सब्जी भी भून जा गया है तो इसमें हम मसाला डाल लेते हैं। मसाला डाल दिए, अब इसको हम अच्छे से भूंज लेंगे। इसको हम अच्छे से भूंज लेते हैं, मसाला उसाला सब डला चुका है। ये हम मसाला सारा डाल दिए हैं तो अभी हम इसमें सोयाबीन भी डाल देंगे, भूज के रख लिए थे पहले ही। तो सोयाबीन भी मेरा डला गया है, अब सब कुछ को जितना है सब्जी में सोयाबीन भी डाल दें, मसाला उसाला भी डाल दिए हैं, आलू पत्ता को भी पहले डाल दिए थे, नमक हल्दी भी डाल दिए हैं, अब सबको हम अच्छे तरीक़ा से भूंज लेंगे। ये देखिए हम अच्छे से सब्जी को भूंज लिए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरा सब्जी भुजा गया है। और इधर देखिए हम एक गिलास चावल धो के ले लिए हैं, देख सकते हैं एक गिलास चावल धो के ले लिए हैं और चावल को भी इसी में डाल लेते हैं। देखिए हम चावल को भी धो के डाल दिए हैं और इसको मिला लेंगे अच्छे से। चलिए हम मिला, देखिए हम अच्छे से इसको मिला चुके हैं। तो हम एक गिलास चावल लिए थे तो 2 इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो चलिए हम पानी डालते हैं।
देखिए इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और ये रहा गरम मसाला, थोड़ा सा हम गरम मसाला भी डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इसको हम मिला लिए हैं। अब कुकर को कर लेंगे बंद। देखिए मेरा कुकर बंद हो चुका है, कुकर को बंद कर लिए हैं और गैस को तेज कर दिए हैं पूरा फुल फ्लेम पर। अब इसमें हम 3-4 सीटी इसमें लगा लेंगे। देखिए मेरा 3 सीटी लग गया है, 3-4 सीटी, और हम गैस को बंद कर लिए हैं। ऊपर का गैस निकलने देते हैं, फिर इसको खोलेंगे। तो खुशबू आ रहा है। अभी गैस बंद किए हैं, इसका गैस हम निकलने देते हैं। देखिए देख सकते हैं मेरा रेसिपी बनके रेडी हो गया है, पत्ता गोभी और सोयाबीन का। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। चलिए हम लोग खाते हैं, कैसा टेस्ट है इसका, आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देख सकते गाइस विक्की रो रहा है। और ले जल्दी सुन रहा है, लड़ विक्की लेके आओ। पता है विक्की बहुत नाटक कर रहा है। माँ देखी थी मिडिल फिंगर देखो यार। देखिए पापा लक्की थाली गिरेगा तो बहुत मार मारेंगे, ज्यादा दुलारू मत बनो। आगे स्वाद देखिए बच्चों से टूट पड़ा है थाली पे, देख सकते हैं। पंगा चला दो थोड़ा। पंता तला दो, गरम लग रहा है। अरे पंता तला दो ना, अभी ठंडा हो। देखिए मेरा बन चुका है, देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत गरम है। गरम नहीं कहूंगा, भुजिया ला ले। और लक्ष्मी बिकी खाने के लिए बैठ गई है। दोस्तों आप लोग भी बनाइए खाइए, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए। थोड़ा सा सिझाने में तो मजाक कर रहा था। देखिए हम लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी बनाइए और ट्राई कीजिए एक बार बना के, ऐसा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए।